हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वेलकम टू शिक्षा आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है यूपीएससी ईपीएफओ के एस्पायरेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए थे पिछले कुछ समय में जब यूपीएससी ने 2020 में होने वाला ई का एग्ज़ाम के डेट्स कैंसिल कर दिए थे चार अक्टूबर को आपका पेपर होना था पर चार अक्टूबर के डेट्स कैंसिल कर दिए गए थे अब यू ने दोस्तों 2021 के लिए अपना कैलेंडर जो है अपनी डेट्स जो है जो टेंटेटिव डेट्स हैं उनको अनाउंस कर दिया है और आपको जानकर एक खुशी होगी काफ़ी बच्चे ये स्पेक्यूलेट भी कर रहे थे कि क्या ई का ये अकाउंट्स ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर का पेपर अब होगा भी या नहीं तो जानकर आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात यह है कि दो में इसके लिए यू ने एक डेट जो है वो रखा है इस पेपर को लिया जाएगा 2021 में ठीक है तो अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और क्योंकि काफी बच्चों ने मैं देख रहा था कि काफी बच्चों ने तैयारी रोक दी थी अपनी यूपीएससी यू पी के लिए तो वो बच्चे अभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और डेट मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि क्या डेट है ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये यूपीएससी ने की है तो अगर आप ये यूपीएससी का कैलेंडर देखते हो 2021 का ये कैलेंडर है तो यहां पर आपको इजीली देखने को मिल जाएगा कि आपके एग्जाम्स 21 फरवरी को पहला एग्जाम होगा 2021 का और अगर हम अपने एग्जाम की तरफ जाए सीधा हम अगर, अगर अपना जो हमारा यूपीएससी का ईपीएफओ एओ, एओईओ का एग्जामिनेशन था अगर हम उसकी तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करें तो हमें वो एग्जाम देखने को मिलता है यहां पर ये यह देखिए सातवें नंबर पर रिजर्व फॉर यूपीएससी आर टी फॉर द पोस्ट ऑफ ईओ एओ इन ईपीएफओ ठीक है यहां पर आपको देखने को मिलता है और यह कौन सी डेट को एग्जाम लिया जाएगा नौ तारीख मई के महीने में 2021 में ठीक है डेट ऑफ नोटिफिकेशन और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन नहीं लिखी गई है क्योंकि एप्लीकेशन ऑलरेडी ली जा चुकी है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए न्यूज है 9 मई 2021 को आपका पेपर होगा तो जिन लोगों ने तैयारी में जिनके ढीलापन आ गया था वो बच्चे अब तैयारी को जोरों शोरों से शुरू कर दें सिविल सर्विसेज 2021 का पेपर 27 जून 2021 को होगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट आपको पता होना चाहिए तो तैयारी अब बहुत जोरों शोरों से आपको कंटिन्यू करनी है और बाकी का कैलेंडर भी आप इजीली यहां पर देख सकते हो यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो तो यूपीएससी ईपीएफओ के बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा डिसार्ट बच्चे हो गए थे अब बच्चों देखिए तैयारी आपको किस तरह से करनी है आप सब जानते हैं पहले भी आपने तैयारी शुरू की थी अब तैयारी में हम आपकी किस तरह से हेल्प करेंगे ये मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा हम आपके लिए यूपीएससी ईपीएफओ के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिससे बच्चे बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं एक है आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कंपोनेंट और एक है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ का कंपोनेंट ठीक है ये दो कंपोनेंट हम आपको बिल्कुल कंप्लीटली यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं ठीक है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये हो रहे हैं और बाकी के कॉम्पोनेंट्स के लिए भी हम एम सीरीज जो है वो रन करेंगे यूट्यूब पर ताकि आप एम के थ्रू रिवाइज कर सकें अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाते हैं आप यूट्यूब पर सिंपली लिखेंगे शिक्षा इस तरह से एस डबल -E -E -H -H तो हमारा चैनल आपको दिख जाएगा हमारे चैनल को खोल करके अगर आप उसमें प्ले के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिलेंगे जो आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए ईपीएफओ के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपको मिलेगी जनरल साइंस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यूपीएससी ईपीएफओ में 2017 में नौ क्वेश्चन साइंस में से थे काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसी को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो इसमें डाली जा रही है साइंस कवर कराई जा रही है यूपीएससी ईपीएफओ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ कंप्लीटली थ्योरी हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है क्योंकि अगर आप लेबर लॉ और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस मिलाकर देखें तो अराउंड थर्टी फाइव टू फोर्टी क्वेश्चन इन दो कॉम्पोनेट्स से पूछे जाते हैं उसके अलावा इंग्लिश के वीडियोस जो है आपको रेगुलरली मिल रहे हैं ठीक है इंग्लिश के भी आप देखें अगर काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे पिछली बार भी अराउंड ट्वेंटी क्वेश्चन जो थे वो इंग्लिश के थे तो ये सारे कॉम्पोनेट्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर करा रहे हैं आपको बस कुछ नहीं करना है इस चैनल को यूट्यूब पर जाकर खोलना है और चैनल को खोलने के बाद आपने यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है ठीक है और साथ ही बेल आइकन दबा देना है आपको अभी भी हम रेगुलरली इसके अपडेट्स देते रहेंगे उसके अलावा यहाँ पर आपके साथ एमसीक्यू कोर्सेज भी हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के लिए आपके साथ स्टैटिक में एक वन कंसेप्ट डे सीरीज जो है वो कवर की जाती है जिसमें हम डिफरेंट जो है वो कवर करते हैं डिटेल में जो आपको पेपर में हेल्प कर सकते हैं अगर आप यहां पर देखें ध्यान से तो ये सारे कंसेप्ट जो है हम एक एक करके कवर करते हैं कोर सेक्टर क्या है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कोई भी एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको हम डिटेल में यहां पर डिस्कस करते हैं ठीक है चलिए ये तो बात हो गई हमारे फ्री कोर्सेज की उसके बाद बच्चों प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखें तो आपको हमारे यहाँ पर पेड़ जो है है टेस्ट कोर्सेज मिलते हैं ठीक जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं अगर आप देखो टेस्ट सीरीज में आपके पास हमने कोर्सेज जो है डिजाइन किए हुए हैं कोर्सेज में अगर आप देखें हमारे मल्टीपल कोर्सेज हैं जैसे 500 एमसीक्यू कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हैं गैप के या सोशल सिक्योरिटी के एमसीक्यू कोर्सेज बने हुए हैं इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ का एमसीक्यू कोर्स बना हुआ है तो ये सारे कोर्सेज जो हैं वो बने हुए हैं और यहाँ पर कॉम्बो कोर्सेज की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो और बहुत ही रीजनेबल प्राइस जो है इन कोर्सेज का जैसे अगर आप इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ का कोर्स देखते हैं तो सिर्फ फोर नाइन का ये कोर्स जो है आपको मिलता है ज्यादा महंगा कोर्स नहीं है ठीक है तो इन कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो एमसीक्यूज बहुत डिटेल्ड एमसीक्यूज यहां पर आपको मिलेंगे डिटेल सोल्यूशन के साथ पहले आप उनको सॉल्व करेंगे और फिर उनके बाद उसके बाद आपको अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका सारा डाटा मिलेगा और फिर फाइनली आपको सोल्यूशन भी मिलेंगे ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन है और बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो आपको आज मिली है ये तो अब अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए और अब बिल्कुल भी रुकने का समय नहीं है अब ये मत सोचिएगा अगले साल या नहीं होगा इतना सब स्पेक्युलेशन में आपको नहीं रहना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगर कोई भी किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है सो तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट एंड बाय